यथारूप में इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना पिया बनचारी, यमुना पिया बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना पिया बनचारी, यमुना पिया बनचारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रभुपदाय श्री प्रभुपदाय जय जय प्रभुपाद 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस पर्वगोचर अष्टोशत डिवाइन गतिशील एसी भक्त स्वयं प्रपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस पर्वगोचर अष्टोशत डिवाइन गतिशील भक्त सिद्धांत स्वामी गोस्वामी महाराज की अनंत कोट वैष्णव भक्तवृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास्ति गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम राधा कृष्ण गोवर्धन की वृंदावन मथुरा धाम की नवदीप मायावती धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की तुलसी देवी की प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की हरे कृष्ण महामंत्र की भगवद गीता यथारूप की निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज
ऑल ग्लोरीज टू असमल डिवोटीज़, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु एन गौरंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। नहीं ऑलरेडी आप रखो। लाओ चश्मा, कहाँ है चश्मा, लाओ दे दो। हाँ तो ये रखी तो ले लो, मना थोड़ी, यही दो। बस थैंक यू। हरे कृष्णा। आज का श्लोक है अध्याय 18 और अध्याय का नाम है उपसंहार संन्यास की सिद्धि और अंतिम श्लोक है श्लोक संख्या 78 78। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण जो श्लोक है इसलिए जो है, तो इसको शुरू करते हैं इसको। तो मेरे पीछे दोहराएंगे आप, ठीक। यत्र योगेश्वर कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धरा, तत्र श्री विजयो भूति, ध्रुवा नीति मति मम। यत्र योगेश्वर कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र श्री विजयो भूति, ध्रुवा नीति मति मम। यत्र योगेश्वर कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र श्री विजयो भूति, ध्रुवा नीति मति मम। यत्र योगेश्वर कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र श्री विजयो भूति, ध्रुवो नीति मति मम। यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र पार्थ धनुर्धर, यत्र पार्थ धनुर्धर, तत्र श्री विजयो भूति, तत्र श्री विजयो भूति, ध्रुवा नीति मति मम। ध्रुवा नीति मति मम। यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र पार्थ धनुर्धर, यत्र पार्थ धनुर्धर, तत्र श्री विजयो भूति, तत्र श्री विजयो भूति, इसको मारो। हरे कृष्ण।
हूँ। यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजय भूति तत्र श्री विजय भूति शब्दार्थ ट्रांसलेशन तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की यत्र जहां योगेश्वर योग के स्वामी कृष्ण भगवान कृष्ण यत्र जहां पार्थ प्रथापुत्र धनुर्धर धनुषधारी यत्र वहां श्री ऐश्वर्य विजय जीत भूति विलक्षण शक्ति ध्रुवा निश्चित नीति नीति मतिमम मेरा मत। जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं और जहाँ परम धनुर अर्जुन हैं वहीं ऐश्वर्य विजय अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो मेरे पीछे दोहराइए, जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं और जहाँ परम धनुर श्री जहाँ परम धनुर अर्जुन हैं वहीं ऐश्वर्य विजय अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तात्पर्य, भगवद गीता का शुभारंभ धृष्टाष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ। वह भीष्म द्रोण तथा कर्ण जैसे महारथियों की सहायता से अपने पुत्रों की विजय के प्रति आशावान था। उसे आशा थी कि विजय उसके पक्ष में होगी, लेकिन युद्ध क्षेत्र के दृश्य का वर्णन करने के बाद संजय ने राजा से कहा, आप अपनी विजय की बात सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मत है कि जहां कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं वहीं संपूर्ण श्री होगी। उसने प्रत्यक्ष पुष्टि की कि धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए, विजय तो अर्जुन के पक्ष की ही निश्चित है क्योंकि उसमें कृष्ण है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी पद स्वीकार करना एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन था। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं और इनमें से एक वैराग्य एक है। ऐसे वैराग्य के भी अनेक उदाहरण प्राप्त हैं क्योंकि कृष्ण वैराग्य के भी ईश्वर हैं। युद्ध तो वास्तव में दुर्योधन तथा युधिष्ठिर के बीच था। अर्जुन अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की ओर से लड़ रहा था। क्योंकि कृष्ण तथा अर्जुन युधिष्ठिर की ओर थे, अतः युधिष्ठिर की विजय ध्रुव थी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी। यहाँ पर इसकी भी भविष्यवाणी हुई कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर उत्तरोत्तर समृद्धि लाभ करेंगे, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्र आत्मा थे अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। ऐसे अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो भगवत गीता को युद्ध स्थल में दो मित्रों की वार्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन इससे ऐसा ग्रंथ कभी शास्त्र नहीं बन सकता। कुछ लोग विरोध कर सकते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाया था,
जो अनैतिक हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है भगवत गीता नीति का परम आदेश है। यह नीति विषयक आदेश 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में है। मनमनाभ मद भक्त, मनुष्य को कृष्ण का भक्त बनना चाहिए और सारे धर्मों का सार है कृष्ण की शरणागति। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवद गीता का आदेश धर्म तथा नीति की परम विधि है। अन्य सारी विधियाँ भले ही शुद्ध करने वाली तथा इस विधि तक ले जाने वाली हों, लेकिन गीता का अंतिम आदेश समस्त नीतियों तथा धर्मों का सार वचन है। कृष्ण की शरण ग्रहण करो या कृष्ण को आत्मसमर्पण करो, यह 18वें अध्याय का मत है। भगवद गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवद गीता के उपदेश का सार है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अनुष्ठानों का मार्ग ज्ञान का गहम मार्ग हो सकता है, लेकिन धर्म के अनुष्ठान के गहम होने पर भी ध्यान तथा ज्ञान गहतर है तथा पूर्ण कृष्ण भावनाभित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गहतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। भगवद गीता की अन्य विशेषता यह है कि वास्तविक सत्य भगवान श्री कृष्ण है। परम सत्य की अनुभूति 3 रूप में होती है, निर्गुण ब्रह्म, अंतरात्मी परमात्मा तथा भगवान श्री कृष्ण। परम सत्य के पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण का पूर्ण ज्ञान। यदि कोई कृष्ण को जान लेता है तो ज्ञान के सारे इसी ज्ञान के अंश हैं। कृष्ण दिव्य हैं क्योंकि वे अपनी नित्य अंतरंगा शक्ति में स्थित रहते हैं। जीव उनकी शक्ति से प्रकट है और 2 श्रेणी के होते हैं, नित्यवत तथा नित्यमुक्त। ऐसे जीवों की संख्या असंख्य है। वे सब कृष्ण के मूल अंश माने जाते हैं। भौतिक शक्ति 24 के से प्रकट होती है। सृष्टि शाश्वत काल द्वारा प्रभावित है और बहिरंगा शक्ति द्वारा इसका सृजन तथा संहार होता है। यह दृश्य जगत पुनः पुनः प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। भगवद गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है। भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म, सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। परम सत्य की सभी धारणाएं, निराकार ब्रह्म, अंतर्यात्मी परमात्मा तथा अन्य दिव्य अनुभूतियाँ भगवान के ज्ञान की कोट में सन्निहित है। यद्यपि ऊपर से भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल भिन्न प्रतीत होते हैं, लेकिन ब्रह्म से कुछ भी भिन्न नहीं है, लेकिन ब्रह्म सदैव समस्त वस्तुओं से भिन्न है। भगवान चैतन्य का दर्शन है अचिंत भेदाभेद। यह दर्शन पद्धति परम सत्य के पूर्ण ज्ञान से युक्त है। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक प्रमाण मात्र है। इस प्रकार भगवान कृष्ण की उपमा सूर्य से दी जा सकती है और जीवों की सूर्य प्रकाश से, क्योंकि सारे जीव कृष्ण के तटस्थ शक्ति हैं, अतः उनका संसर्ग भौतिक शक्ति अपरा या आध्यात्मिक शक्ति अपरा से होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की 2 शक्तियों के मध्य में स्थित है, क्योंकि उसका संबंध भगवान की पराशक्ति से है, अतः उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत होता है। इस प्रकार वह अलादनी शक्ति की अपनी सामान्य दिशा को प्राप्त होता है। ओम अज्ञान त्रिमानंदस्य ज्ञानंजन शलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुमे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदंतिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपकमलं श्रीगुरुन वैष्णवांच श्रीरूपं सागरजातं सैगुणराक्तं वितं तं सजीवं स्वावदेतं सावधूतं पर्जन्यसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान क्षेगर ललताशी विशाखा मिंतांच।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कान राधा का नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावने श्री वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरु वरिष्ठ कृपा शून्यवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवदेवो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त बिंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो ये 78 टेक्स्ट है, अंतिम अध्याय का। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शिवीयो भूति ध्रुवा नीति मति मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं, जहाँ परम धनुर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य विजय अलौकिक शक्ति तथा नीत भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। मतलब इसमें चार चीज़ें बताई हैं। भगवान के विषय में सोच नहीं सकता। क्यों नहीं सोच सकता? उसने सारी उम्र तो मतलब जो है भौतिक चीज़ों के बारे में सोचा है, अपने परिवार के बारे में सोचा है, अपनी सोसाइटी के बारे में सोचा है, अपने काम धंधे के बारे में सोचा है। तो जब भगवान के बारे में सोचेगा ही नहीं तो उसको अपनी प्रैक्टिस में अभ्यास में कैसे लाएगा? जब तक वो अभ्यास में नहीं लाएगा तब तक वो शरणागति नहीं होगा और श्री विजय उसे प्राप्त नहीं होगी। श्री विजय का मतलब गोलोक वृंदावन धाम का। तो ये हम जो है प्रभुपाद के आदेश अनुसार हम जो 16 जपमाला करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कभी कभी ऐसा होता है प्रैक्टिस में हम खड़े हैं तो क्या होता है, कभी खड़े हैं ना कई बार तो खाली रह नहीं सकते, अपने आप ही वैसे गुनगुनाने लगते हैं हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। या फिर क्या कहते हैं हम जो है कीर्तन करते हैं अपने मन में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मतलब गाड़ी ड्राइव करते हुए जाते हैं जो है कई बार, तो उसमें चैंटिंग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो खाली हैं तो क्या रहेगा, और दिमाग तो खाली रहेगा नहीं, तो क्या करते हैं? ये करते हैं, क्या करते हैं, धीमे धीमे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आपसे पूछता हूँ, ये मैं अपना जो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप लोगों को ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्या जोर से बोलिए, होता है? आप इधर से बोलिए प्लीज़, आप कोई फील करते हैं? हाँ, तो ये बिल्कुल सत्य है खासों से। तो हमको जो है क्या है, सुबह से लेकर शाम तक अपने कार्य में भगवान की सेवा में हमको व्यस्त रहना चाहिए, ठीक। हमको अपने शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, चैतन्य चरितमृत भगवत गीता भागवतम जो है इत्यादि का, और जो भी कुछ हमको भगवान के लिए करना पड़ा तो होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम जैसे हम लोग जो है सवेरा मंगल आरती में आते हैं ना, तो सबको पता है वेरी मच रेगुलर ईयर। कई बार जो है जब हम दिन में अपना आराम करते हैं, क्योंकि रात को जल्दी उठते हैं ना सवेरा, तो डेफिनेटली हमको दिन में जो है आराम करना होता है। लेकिन जब नींद इतनी ज़ोर से आती है और जब उठते हैं ऐसा लगता है सवेर हो गई, लगता है निकाल दे 2:30 बजे का अलार्म निकल गया और हम मंगल आरती रह गए। होता है ना था? तो ये क्या है, ये सब जो है ये है कि हर वक्त ध्यान आदमी उधर रहता है, और आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो इस तरह से अब
वैसे तो ये पैंतालीस तो ये भौतिक जगत है। भौतिक जगत में क्या है, सारे प्राणी जो है अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष करने का मतलब ये है, वो जो है ये चाहते हैं कि हमको इस संघर्ष करने से हमको किसी तरह से कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, जब तक भौतिक शरीर है, ये शरीर भौतिक शरीर है ना, जब तक ये भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब ये है, हमने कोई सकाम कर्म किया, हम भक्त, जो लोग भक्त नहीं हैं वो क्या करते हैं, वो सारे काम जो है ऐसे ही करते हैं, उनको भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। मतलब जब कोई कार्य करेंगे तो उनका कार्य और सकाम कर्म होता है, तो सकाम कर्म का फल जो है उसकी प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया जो है वो प्रतिक्रिया जो है क्या है कि अच्छी भी हो सकती है और ख़राब हो सकती है। अच्छी का मतलब जब कोई आप अच्छे कर्म करेगा तो वो स्वर्गलोक की तरफ जाएगा, अच्छे लोगों की ओर जाएगा, और जो निंदनीय कार्य करेगा तो क्या करेगा, वो निम्न लोगों को जाएगा। लेकिन दोनों स्थिति में क्या है, उसको जो है क्या, ये सकाम कर्म के फल हैं, वो सकाम के फल उसको भोगने पड़ेंगे, इसलिए क्या है वो जो है भौतिक संसार में ही रहेगा। भौतिक मतलब या तो इस पृथ्वी लोक पर रहेगा या वो उच्च लोक पर रहेगा, और सिर्फ अच्छे काम नहीं किए वो निम्न लोक को जाएगा, नरक में जाएगा। तो वो इस तरह से जो काम करेंगे तो क्या होगा, वो जन्म मृत्यु के चक्कर में संसार में पड़े रहेंगे। तो जन्म रूप के संग पर संसार में पड़ रहेंगे, तो उनका हल क्या है, हल इसलिए नहीं है, उनका हल क्यों नहीं है, उनका हल इसलिए नहीं है कि उनका कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब लक्ष्य तो जब पता होगा उनको कि जब मतलब किसी की भक्ति की संगति करें, लक्ष्य तो भौतिकता, वो तो भौतिकतावादियों की संगत में रहते हैं, तो उनके लक्ष्य क्या है, भौतिक तरह के होते हैं। भौतिक तरह के लक्ष्य है, मकान बनवाना है, बिजनेस ठीक करना है, हैं और कुछ करना है, उनके मतलब इसी तरह से रहते हैं। तो जब भौतिक लक्ष्य रहते हैं तो भौतिक लक्ष्य का क्या होता है, वो उसका कोई मतलब नहीं होता इस संसार में। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जब उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो फिर वो जन्म मृत्यु के चक्कर में चलता है। लेकिन जो मतलब भगवान कृष्ण की सेवा में, हाँ, जो भगवान कृष्ण की सेवा में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे, किसी भक्त के शरणागत हो गया वो, तो भक्त के शरणागत होने से क्या है, उसको जो है उसकी संगति से जो है भगवान कृष्ण के प्रति जो है वो श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। भगवान कृष्ण के प्रति उसकी जो प्रकृति है, उस प्रकृति के बारे में उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जब प्रकृति के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है भगवान के बारे में, तो श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। जब श्रद्धा उत्पन्न होती है तो भक्ति उस करने लगता है, और आगे चल के क्या है, वो अपना लक्ष्य निर्धारित करता है। जब लक्ष्य निर्धारित करता है तो फिर क्या होता है, तो जब वो भक्ति करेगा तो भगवान कृष्ण उसके साथ ही होते हैं, और उसका स्वरूप जो है धीमे धीमे स्नेह स्नेह जो है वो अर्जुन का रूप ले लेता है। और जहाँ अर्जुन का रूप उसने ले लिया, और भगवान तो उसके पास है ही, उसके पैर हैं, तो वो क्या है,
वो फिर वो जो है अपने लक्ष्य की ओर श्री विजय की ओर बढ़ता चला जाता है, अल्टीमेटली वो भगवत धाम को चला जाता है। तो ये है, तो इसमें जो है कि जो कोई मनुष्य है उसने थोड़ी सी भी शुरुआत की है, चाहे कैसी भी शुरुआत हो, जैसे कोई भौतिक कार्य होता है तो भौतिक कार्य जब कोई शुरू होता है शुरू करते हैं तो भौतिक कार्य की समाप्ति भी होनी चाहिए, तभी वो कर्म जो है पूरा हो पाता है। अगर किसी की लाइफ टाइम में किसी ने भौतिक कार्य शुरू किया आरंभ किया लेकिन उसका कार्य पूरा नहीं हुआ तो वो जीरो हो जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक या भक्ति कार्य किसी के सानिध्य में शरणागति में उसने शुरू किया तो क्या होगा, उसका रिजल्ट ये होगा कि वो चाहे 2% पूरा हो या वो 10% हो 50% हो उससे कोई हानि नहीं है। और ये भगवान ने लिखा भी हुआ है, नेहा विकम नाशो अस्ति प्रत्यवाहो न विद्यते स्वल्पम अस्य से धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। दिखा हुआ ना, इसलिए हमको सबको क्या है कि जब हम लोग आते हैं मंदिर के अंदर तो हमको लोगों के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आपने अगर किसी एक का भी कल्याण किया आपने जो है तो बहुत बड़ी बात है। जैसे कहीं कोई आप भी खाली हो या कोई आदमी आपके हाथ में वाला है, कोई बेंच पे 4-5 लड़के बैठे हुए हैं है? वो भक्त नहीं है, अभी मंदिर में आ चुके हैं, मंदिर आने का शरणागति है, तो आप उनको पूछ सकते हैं। पहले उसको बोलेंगे हरे कृष्णा बोलना बहुत ज़रूरी है, ठीक, क्योंकि हरे कृष्णा बोलने से ना आपने इसको फील करता है कि हाँ यार आदर सत्कार के साथ बोला तो वो कभी नाराज नहीं होगा। फिर उससे पूछे कहाँ से आए हैं आप, कैसा आए हैं, क्या कर रहे हैं, तो उनसे पूछिए बताइए, और जो भी आप बता सकते हैं भक्त के बारे में ना, माला जपने के बारे में किसी तरह से, तो उसको बताइए। तो जब उसके बताएंगे तो क्या हुआ, तो ये भगवान के नाम का प्रचार है। तो आगे एक श्लोक में लिखा हुआ भगवान ने इसमें, ये लिखा है, जो व्यक्ति जो है देखा, या इदम परम गोयम मद भक्तेशु अविदास्ति भक्ति मई पराम कृत्वा मामेशसि असंशय। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, क्या है, रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। ये आप किसी दूसरे का जो है कल्याण करेंगे ना, उससे आपको नुकसान नहीं होगा। आपका जो लक्ष्य है वो और पक्का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो जब भी कभी आप देखें ना तो तभी आप अपना काम करोगे। हाँ, तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो भगवान ने आगे भी लिखा है, इसमें लिखा है, न्याचा तस्मान मनुष्येषु कश्चिन मे प्रियकृतम भविता नाचा मे तस्मात अन्य प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसके अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। तो
आप सब अगर भगवान के प्रिय बनना चाहते हो हा? तो जरा भी आप देखो ना तो दूसरे का कल्याण कर लो, ये जो है बहुत आवश्यक है खास कर। इससे आपका लक्ष्य प्राप्ति का ये एक तरह से साधन है, है? तो अपने साधन को इकट्ठा कीजिए जिससे आप अच्छी तरह अपना गोलोक वृंदावन धाम जाने का जो मार्ग है आपका प्रशस्त हो सके। सद्दावान अनुसूयश्च शृणुया अपि यो नर सोपि मुक्त शिवान लोकान प्राप्यात् पुण्य कर्मणां। और जो श्रद्धा समेत तथा देश रहित इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्मा निवास करती हैं। मतलब जब भगवद्गीता क्लास होती है तो उसको सुनना चाहिए हर एक से, तो ये एक बात है खासकर। तो ये आपको ये रहस्य है, इसलिए मैं आपको दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये जो बड़ा महत्वपूर्ण है खासतौर से। कश्चित ईषत सुतम पार्थ त्व एकाग्रण चेतसा कश्चित ज्ञान सम्मोह प्रणष्ट ते धनंजय। हे प्रतापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इसे एकाग्र चित्र होकर के सुना और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया? क्योंकि जब मनुष्य भौतिक संसार में होता है तो उसके उसमें सारा अज्ञानी होता है, हर पग पग पर संदेह होता है खासकर। तो उसके उसको तो एक यही नहीं पता होता है उसको संदेह है क्या है, क्योंकि वो अंधकार रूपी मतलब जो है क्या अज्ञान में होता है, उसको पता ही नहीं होता वो अज्ञान में है कि नहीं है। तो जब उसे पता ही नहीं होता तो दूर कैसे करेगा? लेकिन जैसे ही वो जो है भक्ति के संसर्ग में आता है या भक्ति शरणागति में आता है तो वैसे ही क्या है वो उसको पता लगता है कि उसके संशय क्या है उसका, और उनको फिर जो है दूर करने की वो क्या है वो कोशिश करता है। तो जब दूर करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, वो आगे चल के शुद्ध भक्ति बनेगा। तो अर्जुन ने भी यही जवाब दिया है, अभी टाइम नहीं बाकी। नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। ये भगवत गीता है ना, ये भगवान कृष्ण की बाणी है। क्या है? हाँ, ये भगवान कृष्ण की बाणी है, बिल्कुल साक्षात बाणी है। तो मतलब इसको जब आप पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये बाणी आपके कानों में भी जाती है और मतलब अपने मस्तिष्क में भी जाती है। जब ये मस्तिष्क में जाती है तो आपका जो संदेह होता है वो दूर हो जाता है। तो ये प्रैक्टिकल कुछ आपको संदेह दूर करना बहुत जरूरी होता है। तो उसने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। तो जब कोई भगवद गीता की स्टडी करेगा, अध्ययन करेगा, तभी तो उसका मोह दूर होगा। तो आपके अनुग्रह से मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है, अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ। अब जो लोग भी भक्ति में रहते हैं तो क्या होते हैं, संशय रहित होते हैं। दृढ़ क्या है? दृढ़ यही है कि हमारी मुक्ति का साधन क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसमें किसी को संदेह है? नहीं है, क्यों? हम इसमें दृढ़ हैं कि हमारी मुक्ति का साधन एक यही है, इसके अलावा जो है जो कुछ भी है वो भगवान कृष्ण के प्रति हम जो भी समर्पण हैं, हम जो भी सेवा करते हैं, वो सब जो है वो हमारे संदेह को दूर करेगा खास तौर से। अब मैं संशय रहित तदृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। उद्यत मतलब
कि हमको जो है कौन कर रहा है, आवाज कहाँ से आ रही है? अच्छा, तो हमारे कहने का मतलब यह है, इसके पढ़ने के बाद, इसको जानने के बाद, हमको कोई भी कर्म जो है भगवान कृष्ण के निर्देशानुसार करना चाहिए। बस यही सत्य है। और मैं सबसे आशा करता हूँ कि मतलब आप सब, हम सब जो है मिलजुल के जो है वो जो लोगों के कल्याण में जो है करेंगे, लगेंगे और लगते भी हम जो है खासों से, और इस भगवान के जो भगवत गीता है इस पे हमको पूर्ण विश्वास है। आप सबको पूर्ण विश्वास होगा और हमेशा पूर्ण विश्वास ही रहेगा। हरे कृष्ण।